दोस्तों, जिस तरह से इंडियन आर्मी ने चीनी सेना के कॉन्फिडेंस को गिराया है, उसके बाद अब चीनी सेना में हर स्टेज पर भगदड़ मच रही है। आपको बता दें कि अब चीन के जिनपिंग को उसकी अपनी सेना ने ही तबाह करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अब चीनी सेना में वह बात नहीं रही जो 10 साल 15 साल पहले रहा करती थी, क्योंकि उस समय भारत में भी अलग सरकार थी, भारत में भी अलग ताकत थी। लेकिन अब भारत के पास कूटनीतिक ताकत है, MTCR में वीटो पावर है, टेक्नोलॉजी है, पॉपुलेशन है, किसी भी देश को अपने बस में करने की क्षमता है भारत के पास, क्योंकि यहां पर बिजनेस हब के लिए सबसे बड़ा सेटअप है। तो अब आप समझ सकते हैं कि चीन किसी भी तरह से भारत से आगे होने के लिए उसे अब 10 साल पहले वाली सोच नहीं होगी। उसी क्रम में चीनी सेना में भगदड़ है कि वे भारत को जवाब दें तो कैसे दें। जो दबांग कांड हुआ था दोस्तों, उसमें आपने देखा इंडियन आर्मी का पावर और इंडियन आर्मी का कॉन्फिडेंस भी साफ झलक रहा है। जब इंडिया ने POK को वापस लेने के लिए कमर कस ली है दोस्तों, बस इंतजार इस बात का है कि दोस्तों कि मोदी सरकार के जनरल चीफ कब ऑर्डर देते हैं, मोदी सरकार कब ऑर्डर देती है सैनिकों को POK वापस लाने के लिए, क्योंकि अब चीन भी POK में दखल अंदाजी नहीं देगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि चीनी सेना के अंदर की उसके पास अब वो पावर नहीं है जो भारत के पास पावर है, अधिक रेंज तक किसी भी वेपन्स या हथियार को यूज करने का, क्योंकि भारत 300 किलोमीटर से ज़्यादा तक के रेंज के हथियार को यूज कर सकता है और 300 किलोमीटर से ज़्यादा तक वार कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान और चाइना के पास वह पावर नहीं है। MTCR की सदस्यता नहीं है, और सदस्यता होती भी तो वीटो पावर नहीं है, जिसकी वजह से चीन के पास कोई पावर नहीं है। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि चीनी सेना अब क्या सोच रही है और चीनी सेना के बीच क्यों भगदड़ मची है। दोस्तों, जिनपिंग चाहते हैं कि आने वाले सालों में चाइना की आर्मी टॉप मिलिट्री में से एक बन जाए, और इसके लिए जिनपिंग ने लगातार चीनी सैनिकों को सख्त ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। लेकिन यह बात कई बार सामने आ चुकी है कि शारीरिक तौर पर चीनी सैनिक काफ़ी ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन अब जो बड़ी बात सामने आ रही है अभी यह है कि इनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है, और ऐसा हांगकांग के अखबार में बताया गया है। इस अखबार की रिपोर्ट के अनुसार एक तो कड़ी ट्रेनिंग और दूसरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से चीनी सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, और इस वजह से इस बात पर सवाल उठ रहा है कि चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग का वह सपना जो उन्होंने चीन को लेकर देखा था, कहीं वह टूट तो नहीं रहा है। दोस्तों, जैसे जैसे सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य की समस्या सामने आ रही है, वैसे वैसे चाइना काउंसलिंग सर्विस शुरू कर रहा है और लगातार चीनी सैनिकों से बातचीत की जा रही है ताकि वे अपने आप को युद्ध के लिए तैयार कर सकें। दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट में साफ तौर पर यह बताया गया है कि चीनी सैनिक ना सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी स्वस्थ नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह युद्ध लड़ पाएंगे, जबकि जी जिनपिंग कई बार यह ऐलान कर चुके हैं कि चीनी सैनिकों को बेहतर ट्रेनिंग दी जाए और कड़ी ट्रेनिंग दी जाए। ऐसे में जी जिनपिंग की बातों से यह साफ लगता है कि इस वक्त चीनी सैनिक किसी भी युद्ध के लिए तैयार नहीं है, जबकि जी जिनपिंग चाहते हैं कि उनके सैनिक हर वक्त तैयार रहें और हर समय तैयार रहें, जिससे कि ताइवान, साउथ चाइना सी, भारत से लगती हुई सीमा पर कार्यवाही की जा सके। जबकि चीनी सैनिकों में डिप्रेशन, घबराहट और डर जैसे लक्षण साफ देखे जा रहे हैं, जो कि उनकी मानसिक हालत को दर्शाता है। ऐसे में कोई भी चीनी सैनिक इस वक्त युद्ध में आगे जाकर लड़ने के लिए तैयार नहीं है, और इसी वजह से चीनी सैनिकों के बीच भगदड़ मची हुई है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, जब से दबांग कांड हुआ है उसके बाद से ही ये तुलना होने लगी है विश्व स्तर पर कि भारत चीन सेना में कौन ताकतवर है और चीनी सेना में क्या है कमजोरी कि अब भारत के सामने हमेशा घुटने टेकते आया है। दोस्तों, आप जरूर इस वीडियो को देखने से पहले तक जरूर सोच रहे होंगे कि चीन की सेना भारतीय सेना से बहुत आगे है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक बड़े सर्वे में क्या कुछ सामने आया है, आपको बता दें कि चीन की रैंकिंग 3 है तो इंडियन आर्मी की रैंकिंग यानी कि भारतीय सेना की रैंकिंग 4 है वर्ल्ड में। कंट्रीज के अनुसार फर्स्ट अमेरिका है और सेकेंड रशिया है, दोनों का आपस में ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन थर्ड और फोर्थ में ज़्यादा अंतर नहीं है, यानी कि चीन भारत से टक्कर में रहता है। ऐसा नहीं है कि वह बहुत ताकतवर नहीं है, लेकिन अब भारत के पास उससे ज़्यादा ताकत है, क्योंकि भारत अब MTCR यानी कि MTCR में जो भारत की वीटो है, उस वीटो की बदौलत भारत अब उसका ज़्यादा बेनिफिट उठा रहा है, उसी तरह से जिस तरह से वह UNSC में बेनिफिट उठाता है। जी हाँ, चाइना UNSC में बेनिफिट उठाकर भारत को वीटो नहीं देता है, तो उसी तरह से भारत भी चाइना को वीटो नहीं देता है, और आने वाले सालों में भारत उससे सेना की तुलना में काफ़ी ज़्यादा आगे हो जाएगा।
चाइना से, क्योंकि MTCR एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें भारत के पास वीटो है, और इसके साथ साथ फ्रांस, अमेरिका, सभी बड़े बड़े ताकतवर देशों के पास है, लेकिन सिर्फ चीन के पास ही नहीं है। और इस वीटो के तहत भारत लगातार बड़े बड़े हथियार खरीद रहा है, और आपको पता ही है दोस्तों कि पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी के मामले में भारत भी किसी से पीछे नहीं है। और भारत कहाँ पीछे हट जाता है, तो वह है आर्मी में खर्च करने के ऊपर, जो आपको बता देते हैं कि किस किस फील्ड में क्या है भारत चीन की तुलना में। ग्लोबल रैंकिंग इंडेक्स में चाइना का रैंक 0.6 है, जबकि भारत का ग्लोबल रैंक 0.9 है। इसमें आपको बता दें कि जिसकी रैंकिंग जितनी कम होती है वह ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, ऐसे में इसमें चाइना भारत से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन इसके साथ साथ हम और दूसरी चीज़ें भी देखते हैं। इसके बाद चाइना की जो सबसे बड़ी ताकत यानी कि उसकी इकोनॉमी है वह काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि $237 बिलियन। भारत की इकोनॉमी काफ़ी कम है, जो कि सिर्फ $61 बिलियन है। लेकिन अगर विदेशी कर्ज की बात करें तो चाइना के पास $1.5 ट्रिलियन का विदेशी कर्ज है, जबकि भारत के पास $0.5 ट्रिलियन का विदेशी कर्ज है। जबकि अगर विदेशी मुद्रा की बात की जाए तो चाइना के पास $3,000 ट्रिलियन विदेशी मुद्रा है, जबकि भारत के पास केवल $400 ट्रिलियन विदेशी मुद्रा है। इसलिए है क्योंकि चाइना का व्यापार काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन उसके अलावा अब आने वाले 2-3 सालों में भारत बहुत ज़्यादा खर्च करेगा, क्योंकि भारत भी अब एक धनी नेशन बन रहा है, रिच नेशन बन रहा है, और यहाँ पर टैक्स कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, जिसकी बदौलत अब आर्मी पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर बोलें तो अब चीन वीटो खुद देगा भारत को, इसलिए क्योंकि वह भी अब MTCR में वीटो लेना चाहता है, क्योंकि उसे भी अपने सैनिकों को और बढ़ाना है। UNSC में भारत के पास वीटो नहीं है, लेकिन भारत के दोस्त के पास वीटो है, रशिया के पास वीटो है, फ्रांस के पास भी वीटो है। और जब भी कुछ होता है तो भारत की तरफ से रशिया वहां पर अपना मत रख देता है, और भारत के पास UNSC में वीटो नहीं है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन MTCR में चाइना के पास वीटो नहीं है तो उससे चीन को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और चीन पर अब हावी हो जाएगी इंडियन आर्मी आने वाले 5 सालों के अंदर। तो दोस्तों आप इसके लिए वीडियोज़ को लाइक ज़रूर देना, और भारतीय फौज के मनोबल को ऊंचा करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना, और शेयर जरूर करना वीडियो को। अब आपको बताते हैं इसी तरह की एक और बड़ी खबर। दोस्तों एक बार फिर से वीटो पावर के लिए UNSC में भारी हंगामा देखने को मिला, लेकिन भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने ऐसी मांग रख दी कि पूरे UNSC के सामने के 25 देश उनके साथ खड़े हो गए, और सच्चे भारतीय का वहां पर एक पहचान बताई है ऋषि सुनक ने। आपको बता दें कि वीटो पावर चीन नहीं दे रहा था, और कुछ उसके साथ चमचे देश थे जो भारत को वीटो पावर ना दिलाने में चीन का साथ दे रहे थे। ऋषि सुनक ने सबकी बोलती बंद कर दी। दोस्तों आपको याद होगा G20 समिट में किस तरह से कैसे मोदी और ऋषि सुनक की दोस्ती दिखी थी, दोनों लंबी बातचीत करते हुए नजर आए थे, और वही बातचीत और वही गॉसिप अब काम आई, और ऋषि सुनक ने UNSC के स्थायी सदस्यों के बीच हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि ब्रिटेन भी एक स्थायी सदस्य है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों रशिया भी स्थायी सदस्य है, और दोनों देश अब भारत के इतने करीब हैं कि वे किसी से छुपा नहीं है। अमेरिका भी भारत के साथ है, और फ्रांस तो हमेशा से ही भारत की मुस्लिम नीति का समर्थन करता है और भारत के पक्ष में रहता है। बचा एक चीन, चीन को कैसे ऋषि सुनक ने सबक सिखाया, क्या कुछ किया, अब हम आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल UN सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट और नॉन परमानेंट सीट्स को बढ़ाने और सिक्योरिटी काउंसिल्स को दुनिया के सभी देशों और सभी रीजन्स की इक्विटेबल प्रेजेंटेशन कैसे हो, इसे लेकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक मीटिंग हुई, और इस एनुअल मीटिंग में यह डिस्कस किया जा रहा था कि इम्पार्शियल, ऑब्जेक्टिवली और ओपन माइंडेड मैनर में UN सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स किस तरह से किया जाए। आपको याद होगा कि इस साल सितंबर महीने में जो UN जनरल काउंसिल का सेशन हुआ था उसमें दुनिया के 1/3 लीडर्स ने UN काउंसिल्स में रिफॉर्म्स का मुद्दा उठाया था। 1/3 यानी कि दुनिया के तकरीबन 60-65% प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट ने UN के मंच से यह रिफॉर्म करने की मांग की थी। इस वजह से परमानेंट सदस्य देशों पर रिफॉर्म करने का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके बाद अब रिफॉर्म्स होंगे और भारत को परमानेंट मेंबर बनाया जाएगा या नहीं यह तो खैर समय बताएगा। लेकिन हाल ही में हुई इस मीटिंग के दौरान ब्रिटेन ने भारत का जमकर समर्थन किया। रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसके मुताबिक ब्रिटेन के UN में एम्बेसडर
ने यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग के दौरान भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाने की मांग रखी। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि ब्रिटेन खुद ही लंबे समय से यह मांग कर रहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स किए जाएं और परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों की सीट्स बढ़ाई जाएं। ऐसे में उन्होंने नॉन परमानेंट सीट की संख्या 25 तक रखने की मांग की, यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर जो इस समय 10 देश बनते हैं, ब्रिटेन उनकी संख्या 25 तक कर देना चाहता है। वहीं परमानेंट मेंबर्स के लिए ब्रिटेन ने तो कोई नंबर नहीं बताया, लेकिन ब्रिटेन ने भारत के साथ साथ जर्मनी, जापान, ब्राजील, अफ्रीकन रिप्रेजेंटेशंस को परमानेंट सीट देने की मांग की। यानी कि ब्रिटेन के अकॉर्डिंग यूएनएससी के 10 परमानेंट देश मेंबर होने चाहिए और इसके अलावा वीटो के यूज को लेकर भी इस मीटिंग में काफी डिस्कशंस हुआ। साथ ही रशिया ने यूक्रेन में युद्ध से संबंधित हर एक रेजुलेशन को वीटो किया है। इसके बाद अब कुछ देश ऐसे भी हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि वीटो का यूज बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है, इसलिए वीटो पावर के अधिकार को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, यानी कि बस परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर ही रहें और कोई वीटो पावर नहीं। इसका मतलब यह है कि परमानेंट भी आपस में वोटिंग से ही फैसला करें। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या वीटो पावर को सच में खत्म कर देना चाहिए या नहीं? इस बारे में आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।